How do I feel when I moved into this house? I feel very good. अपना घर अपना ही होता है. वैसे मेरे इस घर की कहानी भी काफ़ी फिल्मी है. जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था, मतलब आया नहीं था, आने वाला था, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे फ़ोटोशूट करवाने के लिए, तो मैं उस समय एक जाने माने फोटोग्राफर थे जयेश सेठ करके, तो उनके पास मैं काम करने लग गया, उनके पास असिस्टेंट लग गया. तो वो जब सैलरी की बात करता, मैं उसको कहता था तू रखे रख, मैं तेरे से ले लूँगा. तो जब 4-5 महीने गुजरे तो मैंने कहा अगर इफ़ यू डोंट माइंड जयेश, तू मेरी फ़ोटो ले लेगा, फ़ोटोशूट कर देगा मेरे लिए, जो पैसे मत दे मुझे, मेरी फ़ोटोशूट कर ले. तो हम लोग फ़ोटोशूट करने के लिए जूह पे आए थे, समुद्री किनारे पे. तो एक देखा था कि एक टूटा फूटा बंगला सा है और पैरापिट है, तो उस पैरापिट में मैं जाके लेट गया और फ़ोटो खींचने लगा. तब वहाँ का जो वॉचमैन है उसने मुझे भगा दिया वहाँ से. उन्होंने बोला नहीं हम तब, लेकिन तब तक हमने 3-4 फ़ोटो तो खींच ली थी. और सच में ये कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि आज ये घर जो है उसी बंगले पे, वो जो टूटा फूटा बंगला था वहाँ एक बिल्डिंग बनी और उसी बिल्डिंग में मैं अब रहता हूँ. और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए, ये है तब की फ़ोटो जब जयेश सेठ ने खींची थी और ये पैरापिट पर मैं बैठा हूँ. और ये फ़ोटो है 32 साल पुरानी. और ये देखिए, ये फ़ोटो है 3-4 साल पुरानी, सेम जगह, ये दोनों.